यही से अजय जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आप पॉजिटिव ही रहे हैं पहले से, कि बिनौला खल में आपने पहले ही बता दिया था कि साल 2022 में काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप हो सकती है, और वही लेवल हमने अब भी बनते हुए देख रहे हैं कि अब जो आपने तेजी की बात कही थी, अब वो धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई है तेजी। हमने बिनौला खल में 3000 का लेवल आपने जो दिया था वो अचीव होते हुए देख लिया है। अब आपको यहाँ से आगे क्या लगता है, जनवरी 2022 की शुरुआत में बिनौला खल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आगाह करना चाहता हूँ कि ज्यादातर कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो पास्ट का होता है, फ्यूचर का नहीं होता। जी, हमने देखा पैंडामिक हिट हुआ, पैंडामिक का आई डोंट थिंक हमारे कोई भी लिजनर है उनकी 100 साल से ऊपर की उम्र होगी, क्योंकि ऐसे पैंडामिक हमने 1920 में देखा था। जी, अब आपको ये देखना, जब भी ऐसी महामारी आती है तो कमोडिटी के साथ होता क्या है, तो हमने पिछले 150-200 साल के जो डेटा एनालाइज किया और एग्री कमोडिटी पे उसका इंपैक्ट देखा, तो एक चीज समझ में आई कि कभी भी पैंडामिक हिट होता है तो कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं। उसके अलग अलग कारण है। पहला कारण है सप्लाई लाइन खाली हो जाती है, पाइपलाइन खाली हो जाती है, तो वहां पे रीस्टॉकिंग चालू हो जाती है, सप्लाई डिस्टर्बेंस रहता है, डिमांड रिमर्ज हो जाती है, फिर से नई तरीके से चीजें स्टार्ट होगी, तो उसी के देखते हैं हमने 2021 के अंदर कमोडिटी की एक सुपर साइकिल बनते हुए देखी है जो 2022 में कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हम बिनौला खल की बात करें तो मैंने आपके चैनल पे ही 2400-2450 में बताया था कि मेरा ओवरव्यू 4000 रुपए का है, 2022 के अंदर सबसे बेहतरीन कमोडिटी होकर निकल के आएगी, और आज आप देख सकते हैं 3000 के ऊपर अच्छे से, चाहे जनवरी मंथ हो चाहे फरवरी मंथ हो, 3000 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है तेजी आधी आई है, आधी तेजी अभी बाकी है। उसके पांच मुख्य कारण है। पहला आप समझिए कॉटन क्रॉप जो 370 से 360 का रिवीजन हुआ, ये गवर्नमेंट के फिगर धीरे धीरे आ रहे हैं सीआई के, बट अगर आप हाजिर में ट्रेडर से बात करेंगे तो जिस ढंग से अनसीजनल रेन हुई है, डैमेजेस हुआ है, तो लोग कतराते नहीं है 300 के नीचे के फिगर देने में भी। मैं बोलता हूँ 300 का फिगर छोड़ दीजिए, अगर 340 का भी अगर फिगर आता है तो हम पिछले साल के मुकाबले डेफिसिट में रहेंगे। डिमांड में हमने ऑलरेडी देखा कॉटन यार्न टेक्सटाइल अपैरल में जबरदस्त डिमांड आई है क्वार्टर थ्री में, फेस्टिवल्स को लेकर, ये सब पोस्ट पैंडेमिक, ये डिमांड 2022 में भी कंटिन्यू रहेगी। तीसरा डेयरी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के खुद के फिगर्स आए हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में 11-12% का एक सीएजीआर ग्रोथ रहेगा 2022 में, जिसकी वजह से बिनौला खल जो दूध में फैट बढ़ाने के काम ज्यादा आता है वहां पे हम एक अच्छी तेजी देखेंगे। वहीं अगर अदर खल्स की बात करें, चाहे हम सोया, मस्टर्ड, गवार, ये सबके भाव ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, ठीक है, बाजरा, भूसा और भी काफी चीजें हैं, बट जो प्रोटीन रिलेटेड भी अगर आप बात करो तो उनके भाव भी तेज है, तो उसके मुकाबले आज भी कॉटन सीड ऑयल के काफी सस्ती है। हाँ, यहाँ से 150 पॉइंट की, 100 पॉइंट की कभी भी अगर गिरावट आ भी जाए, घबराना नहीं है, क्योंकि देखो 2400 वाला चीज अगर आप 3000 देख लेते हो इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ और 1.5 मंथ, तो कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट की गिरावट आ भी जाए तो घबराना नहीं है। मुझे लगता है कि जनवरी तक, जनवरी एंड मिड तक हम 3150 का, 3180 तक का लेवल, फरवरी तक 3600 का लेवल, और फरवरी के बियॉन्ड जैसे हम जाएंगे मुझे लगता है कि ये प्राइजेस 4000 का लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉक पोजीशन है वो आज अराइवल है, दिसंबर मंथ में हिस्टोरिकल अगर आप 2-3 साल का अराइवल देखोगे उसके मुकाबले काफी कम हो चुका है। तो ओवरऑल सारे ही फैक्टर, टेक्निकल, फंडामेंटल कॉटन सीड ऑयल के लिए जबरदस्त तेजी के हैं, जो मुझे लगता है ये मार्च तक आपको 36 से 37 तो कंफर्मेटिव उसके ऊपर स्पाइक्स मिल जाएंगे जो 4000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक में बने रहिए, हर 150-200 पॉइंट के घटाने पे ऐड करना चाहिए, हाथ में माल रहना बहुत जरूरी है। जी, तो यानी कि चाहे टेक्निकली बात करें चाहे फंडामेंटली, बिनौला खल की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा हमें अजय जी ने बताया, साल 2022 में बिनौला खल उन कम्युनिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो आपको बेहतरीन मुनाफा देती नज़र आ सकती हैं। तो बिनौला खल में मार्च 2022 में 4000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 3600-3700 के बाद, तो उन लेवल्स के लिए निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।